परिजनों की माने तो होटल मैनेजमेंट में माहिर बताया जाने वाला मनोज रात के वक्त शराब पीकर घर आया और उसने अचानक ही अपनी पत्नी पूनम पर कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला बोल दिया, जिस दौरान मनोज अपनी बीवी के सामने साक्षात मौत बनकर खड़ा था। ठीक उसी वक्त फरिश्ते की तरह मनोज की माँ शांति बाई आ गई। पूनम तो इस जानलेवा हमले से बच गई, लेकिन माँ शांति बाई खुद को बचा नहीं पाई और कुल्हाड़ी के उस हमले की जद में आ गई और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। अब मनोज के सिर पर मौत नाच रही थी, खून की प्यास ऐसी जगी कि उसने खून से सनी हुई कुल्हाड़ी से घर के अंदर सो रहे अपने तीन बेटियों को कृतिका, रोनिका और हर्षिका की कुल्हाड़ी से काट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर मौके पर आई दादी लालिया बाई को मनोज ने भागते वक्त उन्हें जख्मी कर दिया और अपने जानलेवा हमले को चार मौतों में तब्दील करने के बाद मौके से फरार हो गया। शादी में खबर में मेरे एक लड़के ने आगे मुझे बताया, बड़े भाई ने तीन बच्चे हुए मम्मी को मार दिया कुल्हाड़ी से और उसके बाद उनका पता नहीं, भाभी भी हॉस्पिटल में, दादी भी हॉस्पिटल गई है, उनको भी घायल किया, अब उनका पता नहीं हो सकता है। नहीं कोई वजह रही होगी, कभी इसके पहले कुछ हुआ है? मानसिक तनाव, उसके पहले कुछ नहीं हुआ कभी। कैसा तनाव था, किस बात को लेकर? सर जॉब को लेकर फ्रस्ट्रेशन था, जॉब नहीं, जॉब छूट गई, बच्चियाँ ग्रेड टेन थी, रूरल स्कूल में पढ़ती थी तो उसका स्टैंडर्ड हाई था, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो गया। और कोई दूसरी वजह तो नहीं है? और कोई दूसरी? परिजनों की माने तो मनोज पिछले कुछ दिनों से नौकरी को लेकर बेहद परेशान चल रहा था। पुलिस भी इस चार लोगों के कत्ल के पीछे मनोज का तनाव ही मान रही है। मनोज मशहूर है, आज इसने अपने परिवार के, अपनी माँ का और अपनी तीन बेटियों का और अपनी पत्नी के ऊपर जो है सार वेपन से हमला किया, जिसमें इसकी माँ और इसकी बच्चियाँ जो है खत्म हो गई है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में इलाज करा रहे हैं। सर क्या वजह सामने आई है अभी तक? ये जो यहाँ लोगों से पूछताछ पे और इसके फादर भाई वगैरह से पूछताछ पे जानकारी मिली है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन वगैरह टेंशन में रहता था, इस कारण संभवतः इसने कदम उठाया है। आरोपी क्या स्थिति है? तलाश चल रही है, पुलिस पार्टी खोज रही है, रिश्तेदारी वगैरह में भी जो है इसकी तलाश कर रही है। उधर मनोज के जानलेवा हमले से बची उसकी पत्नी पूनम और उसकी दादी लालिया बाई अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस और पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि सनकी मनोज फिर से वो अपना कातिलाना रूप ना दिखा दे, जिसकी कुछ कड़वी और डरावनी यादें अभी भी बिस्तर पर पड़ी उस कातिल वारदात की कहानी अपने जहन में लिए सहमी दायकी है। एमपी के दमोह से न्यूज टाइम के लिए संवेद जैन की रिपोर्ट।